हेलो एंड वेलकम टू एस इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑफ़ 30th अप्रैल 2024. प्लीज नोट यू कैन डाउनोडी एफिसमेंट सेक्शन दिसम टूडेज न्यूज पेपर दस्ट इज अबाउट राजा रवि वर्मा दिस टॉपिक राइटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है करंट न्यूज देखते हैं

बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट और रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाने के लिए uh, जाने जाते थे रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ इंडियन गॉड एंड गुनिया में जैसे भगवान कृष्ण बैठे हैं ऐसा कुछ कुछ पेंटिंग रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस यूड मेनली पेंट फॉर रॉयलिटी मतलब रिच पीपल इन द अर्ली फेज बट धीरे धीरे उनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो था कि उन्होंने पेंटिंग को मासेस तक पहुंचाया क्योंकि पहले कैसा होता था कि पेंटर्स ऑयल पेंटिंग करते थे वेरी रिच पीपल रॉयल क्लास लिए कुड नॉट अफोर्ड पेंटिंग फिर राजा रवि वर्मा लेकर के आए ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट एंड ओलियोग्राफ्स जिसकी मदद से एक ही पेंटिंग की कई सारी कॉपियां बनाई जा सकती थी और उसकी मदद से फिर पेंटिंग को बनाया गया टू द पुअर क्लास पेंटिंग वाज मेड टू द क्लास तो क्या है ओलियोग्राफी जो राजा रवि वर्मा का देन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द इंडियन आर्ट फील्ड जिससे पेंटिंग पॉपुलर हुई अमंग्स द कॉमन जरा समझते हैं। प्रिंट या ओलियोग्राफ देखिए ओलियोग्राफ Print to oil painting. Painting जो करते हैं वो होती है ऑयल पेंटिंग अब ऑयल पेंटिंग से बिल्कुल मिलता जुलता ओलियोग्राफ बनाया जाता है ऑयल पेंटिंग के लिए आर्टिस्टिक टेक्निक्स लगते हैं कोर्स ये महंगा होगा वो सिर्फ रिच क्लास के लिए होगा बट ओलियोग्राफ आप समझिए जैसे जियरॉक्स करा लिया जाता है ओरिजिनल का और उसके कई सारी कॉपियां बना दी जाती है ऑयल पेंटिंग इज ओरिजिनल ओलियोग्राफ्स और और कई सारी कॉपियां बना दी गई सस्ती कॉपियां जो कॉमन मासेस के लिए भी अवेलेबल करा दिया गया तो बेसिकली इज अ मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑयल पेंटिंग ऑन पेपर इन सच ए मैनर दैट एग्जैक्ट कलर एंड ब्रश स्ट्रोक टेक्सचर्स आर डुप्लीकेटेड तो एक पेंटिंग बना दी गई और उसका बहुत सारा कॉपी ऑयल पेंटिंग ओरिजिनल बना दी गई और उसकी बहुत सारी कॉपी फिर थ्रू ओलियोग्राफी या प्रिंट के थ्रू और निकाल दी गई अफोर्डेबल टू द कॉमन मासज एंड एवरी इंडिविजुअल और इवन फॉर द कॉमन मासज इन दी अदरवाइज इट वॉज ओनली फॉर द एरिस्टोक्रेट क्लास ओलियोग्राफ और ऑयल पेंटिंग जो ओरिजिनल पेंटिंग्स होती हैं उनके बीच का अंतर क्या होता है देखिए ओलियोग्राफ्स में आपको टेक्सचर नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो प्रिंट है ऊपर से देख करके बिल्कुल वैसा ही लगेगा लेकिन उस पर टेक्स्चर नजदीक ध्यान से जाकर के देखेंगे तो आपको ये टेक्स्चर नहीं मिलेगा ब्रश का जबकि ऑयल पेंटिंग जो होता है उसको बिल्कुल ध्यान से नजदीक से जाकर सरफेस पे आप देखोगे तो उसका थोड़ा सा आपको टेक्स्चर कहीं कहीं पे रेज्ड ब्रश स्ट्रोक्स भी दिखेंगे द ओ ओरिजिनल आर्ट वर्क या ऑयल पेंटिंग सो दट इज द डिफरेंस ऑलियोग्राफी इज द प्रिंट वाइल ऑयल पेंटिंग इज द ओरिजिनल ब्रश स्ट्रोक्स तो उसमें आपको थोरे थोरे अपरेस्ड पोर्शंस भी दिखेंगे अब राजा रवि वर्मा जी के बारे में बात करते हैं तो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है इट वॉज बिफोर राजा रवि वर्मा इंडियन आर्टिस्ट वे आर हाइवली बाय द पर्सियन और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग उनके तरीके अलग थे राजा रवि वर्मा ने इंडियन और वेस्टर्न टेक्निक्स को मिक्स किया और एक नई स्टाइल या थीम्स डेवलप किए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि उनके स्टाइल में एक तो इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल्स का एक हाइब्रिड निकाला दूसरा कंट्रीब्यूशन उनका ओलियोग्राफी या प्रिंट के थ्रू पेंटिंग को कॉमन मासेस तक पहुंचाया इन अफोर्डेबल मैनर तीसरा वो किंग मतलब इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के नेचुरल या रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते थे उनके जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो काफी पॉपुलर पेंटिंग वर्क हैं दमियंती टॉकिंग टू अ स्वान अकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत इंदु लेखा जिसके बारे में हमने पहले देखा ये वाला और फैमिली ऑफ बेगर्स राजा रवि वर्मा के कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण 1904 में वॉइसराय लॉर्ड कर्जन ने ऑन बिहाफ ऑफ द एम्पेर किंग बेस्टोर्ड अपॉन राजा रवि वर्मा कैसरे ए हिंद गोल्ड मेडल उसके बाद से ही रवि वर्मा को राजा रवि वर्मा कहा जाना शुरू कर दिया गया तो राजा रवि वर्मा जी के ऊपर सीधा सीधा जीएस पेपर वन में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को इलाबोरेट करें मैंने आपको समझा तो दिया ही है यहाँ पे थोड़ा हिंट्स वर्क भी दे दिया है

न्यूज़पेपर में डांस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया आर्टिकल हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डांस बीन पब्लिश्ड इन असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पेपर देखते डांस इन इंडिया तो डांस का ओरिजिन इन इंडिया देखा जा सकता है फ्रॉम द बुक नाट्य शास्त्र विच वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम रिटन बाय भारत मुनि ऋषि भारत या उनको भारत मुनि भी कहते हैं अंग्रेजी में सेज भारत फिर उसकी कई सारी कॉपियां बनी नाट्यशास्त्र की आज भी आपको नाट्यशास्त्र मार्केट में मिल जाएगा पहली बार नाट्यशास्त्र लिखा भारत मुनि ने इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑन आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट जैसे सिंगिंग डांसिंग ड्रामा एंड म्यूजिक जो नाट्य शास्त्र है लगभग 200 हंड्रेड बी के आसपास लिखा था भारत मुनि ने एंड इट इज कंसिडर्ड एस ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस भारत के जो आर्ट क्लासिकल डांसेस आज के टाइम में रिकॉग्नाइज्ड हैं उनकी ओरिजिन इसी नाट्यशास्त्र से की जाती है बुक से नाट्य शास्त्र में वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डांस की बात की गई है जैसे मुद्रास हैंड जेस्टर्स रस मतलब इमोशंस कॉस्ट्यूम्स उसके अलावा नाट्य शास्त्र में कॉन्सेप्ट ऑफ नाट्य भी दिया गया है नाट्य शास्त्र में कॉन्सेप्ट ऑफ नाट्य ध्यान से समझिएगा नाट्य क्या होता है इंडियन जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें डांस एक तरीका है का, अपनी बातों को कहने का जैसे हम लोग कहते हैं ना कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल तो डांस इज वर्बल वे ऑफ कॉम्युनिकेशन डांस हेल्प इन स्टोरी टेलिंग अलॉन्ग विथ म्यूजिक तो इसी को कहा जाता है नाट्य डांस करते करते वेन वी डिपिक्ट स्टोरी विच इज ऑल्सो ट्रेस्ड फ्रॉम नाट्य शास्त्र बुक रिटर्न बाई भारत मुनी टू हंड्रेड बी सी इंडियन क्लासिकलिजिनेट होता है और नाट्य काम्युनिकेशन का, का रिफ्लेक्ट होता है यानी कि स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट होता है इन तांडव डांस तांडव डांस जो नॉर्मली सिवा से रिलेट करके देखा जाता है कई सारे लोग सीवा को इमिटेट करते हुए तांडव डांस करते हैं उसमें एक पोज आता है नटराज पोज नटराज पोज कॉम्युनिकेट्स वेदांता फिलॉसफी जस्ट वन पोज ड्यूरिंग द डांस कॉम्युनिकेट्स कंप्लीट वेदांता फिलॉसफी उसमें भी अद्वैतवाद वेदांता खासकर आप कह सकते हैं यू सी नटराज पोज में एक हाथ से सेवा डमरू बजा रहे हैं डमरू की जो ध्वनि निकल रही है द साउंड साउंड मैनिफेस्ट्स और साउंड इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड जगत की क्रिएशन यानी कि गॉड ने ही इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है दूसरे हाथ में शिवा इज होल्डिंग फायर सो द फायर इज इंडिकेटिंग कि द सेम शिवा द सेम ब्रह्म या गॉड विल एंड द वर्ल्ड ऑल्सो तो जगत की को के रचयिता भी आप ही हैं और इसके डिस्ट्रॉयर भी आप ही होंगे विध्वंसक भी यही है ब्रह्म इसको कहा गया या शिवा डमरू एंड फायर उसके अलावा इंडियन ट्रेडिशन में आपको पता है कि तीन रास्ते हैं मोक्ष प्राप्त करने के भक्ति का मार्ग ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग तो एक पाँव के नीचे ऐसे ड्वार्फ दिखाया जाता है ड्वार्फ को दबाए हुए अपने पाँव के नीचे इट इज रिफ्लेक्टिंग किल द ड्वार्फ ड्वार्फ मैनिफेस्ट या रिफ्लेक्ट्स इग्नोरेंस इग्नोरेंस से ऊपर उठें और वही होता है ज्ञान मार्ग इग्नोरेंस क्या है इंडियन ट्रेडिशन में वेदांता फिलोसफी में इग्नोरेंस है इस दुनिया की चीजों को पूरी तरीके की रियलिटी मान लेना यही सच्चाई है इस दुनिया की चीजों में पूरी तरह से खो जाना घर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस तो ये होता है इग्नोरेंस उससे ऊपर उठना होता है ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग पे चलने से इंसान को मोक्ष मिल सकता है इन इंडियन ट्रेडिशन विच इज वॉट वेदांता फिलोसफी से ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये बात समझनी है ये जो जगत है एक्सटर्नल वर्ल्ड वर्ल्ड इट लेस रियल मोर रियल रियल या अल्टीमेट इज ब्रह्म या सीवा. जगत इज लेस रियल मिथ्या उसके दूसरे हाथ से अपने पाव की तरफ वो इशारा कर रहे हैं मतलब भक्ति का मार्ग तो भक्ति मार्ग को फॉलो करो उससे भी तुम्हें मिल सकती है मोक्ष और तीसरा वो अभय मुद्रा इस हाथ से दिखा रहे हैं अभय मुद्रा मतलब डोंट फियर एंड यू जस्ट फॉलो योर ड्यूटी अपने कर्म को ईमानदारी से करो उससे भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो तीन रास्ते तो आप देखिए कितनी सारी कॉम्युनिक बातें कॉम्युनिकेट हो गई सिवा के इस पोस्टर से जो तांडव डांस के दौरान आता है तो ये है नाट्य नाट्य विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन डांस इंडियन क्लासिकल डांस नाट्य मतलब स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस और नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन और तांडव डांस के दौरान ये जो पोज है नटराज पोज दैट इज बेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ नाट्य स्टोरी टेलिंग नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन पूरा का पूरा वेदांत फिलोसफी इससे झलक जाता है बाद में चोला डायनेस्टी के लोगों ने ये जो शिवा का जो नटराज पोज है इसका ब्रोंज आइडल काफी बनाना शुरू किया इसको काफी ज्यादा पॉपुलर भी बनाया क्लासिकल डांस है जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरा पूरा नाट्य शास्त्र से लिंक करके देखा जा सकता है बिगिनिंग ऑफ क्लासिकल डांसेस इन इंडिया उसके जो आर्ट हैं नाट्य का यानी कि ये सब कुछ शुरू हुआ है नाट्य शास्त्र से भरत मुनि द्वारा तो भारत के टाइम में आज के डेट में आठ क्लासिकल डांसेस हैं इनको रिकॉग्नाइज करने का अथॉरिटी है संगीत नाटक अकाडमी को क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस के बीच का अंतर क्या होता है देखिए क्लासिकल डांसेस में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनना होता है दीज आर ओल्ड एज ट्रेडिशंस ट्रेडिशन ट्रेडिशंस को वो कंटिन्यू किया जाता है मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपके पास फ्रीडम नहीं है यू आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन परफॉर्म इन दैट मैनर ओनली उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन या क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है एंड इट इज एसोसिएटेड विद गॉड एंड रिचुअल्स वहीं फोक डांस जो है इसमें बिहू वगैरह आ जाता है इट इज डन फॉर फन इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए इट इज रूटेड और विथ ट्रेडिशंस। इसमें कोई अलग से नहीं है। तो आठ तरह के क्लासिकल डांसेस हैं भारत के अंदर जिनको संगीत नाटक अकाडमी ने रिकॉग्नाइज किया है भारत तमिलनाडु कथक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया पूरा नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से रिलेट लि, करके देखा जाता है कथक कली केरला कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मोहिनी अट्टम केरला उड़ीसी उड़ीसा सत्रिया डांस असम एंड मणिपुरी ऑफ कोर्स फ्रॉम मणिपुर सत्रिया डांस थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं तो इट इज द डांस फॉर्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फिफ्टीन सेंचुरी बाय श्रीमन शंकर देव जी वैष्णव सेंट उन्होंने वैष्णविज्म को असम में पॉपुलराइज किया आपको ये बात पता है

ढूंढना होगा समझ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए इसी बारे में आपका थोड़ा नॉलेज और बढ़ेगा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंडियन क्लासिकल डांसेस के ऊपर आप अटेम्प्ट कीजिए वैसे तो आपने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ रखा होगा जरूरत पड़े तो हिंट्स भी देखिए बट अटेम्प्ट जरूर कीजिए द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बायो हैकिंग सो बायो हैकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर्म आर सिलेबस जीएस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बायो हैकिंग होता क्या है एकदम सरल भाषा में बोले तो अपने शरीर में कुछ बदलाव करना पॉजिटिव चेंजेस लाना इसको कहा जाता है बायो हैकिंग बायो हैकिंग नेचुरल तरीके से भी हो सकता है अपने डाइट को चेंज करके रेगुलर एक्सरसाइज करके बायो हैकिंग जो है उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी लिया जा सकता है तो बायो हैकिंग सिंपली मीन्स इन्हेंसिंग बॉडीज एबिलिटी टू फंक्शन एक्सटेंड वंस लाइफ स्पेंड ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे अपनी बॉडी के फंक्शन को आप चेंज कर दें इनहस कर दें इसके अंदर बायोलॉजी जेनेटिक साइंस न्यूरो साइंस न्यूट्रीशन एवरीथिंग इज इन्वॉल्व देर आर डिफरेंट वेज ऑफ बायो हैकिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे डाइट में बदलाव ब्रीदिंग पे काम करना मेडिटेशन एक्सरसाइज पे काम करना मॉलिकुलर लेवल पे जेनेटिकल चेंजेस कर दिए टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट वॉचेस पहनना डायग्नोस्टिक्स जिससे डायग्नोस्टिक्स हो पाए हर आ, रियल टाइम में कि आपका ब्लड शुगर कितना है ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है तो ये सब अलग अलग तरीके हैं बायो हैकिंग के और बायो हैकिंग करके क्या क्या किया जा सकता है एज को काफी हद तक बायो हैक किया जा सकता है मतलब आपकी एज ज्यादा है लेकिन फिर भी आप कम उम्र के दिख रहे हैं एनर्जी बायो हैकिंग मतलब आप हर वक्त अपनी हाई एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं ब्रेन का इन्हांसमेंट कर सकते हैं

एक्सेस इनक्वालिटी देखिए जो रिच लोग हैं दे कैन यूज डिफरेंट टूल के बीच की जो इनक्वालिटी है इंडिविजुअल पर्सनल हेल्थ रिलेटेड डेटा या अदर डेटा प्राइवेट डेटा ब्रीच बिकॉज बायो हैकिंग के अंदर कई सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज हैं विच आर उनको जब इन्वायरमेंट में डिकम्पोज किया जाता है तो इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं रेगुलेशन का भी प्रॉब्लम है अभी बायो हैकिंग को रेगुलेट करने के लिए भारत में कोई कानून है नहीं तो इसमें कुछ भी हो सकता है कुछ भी मतलब आ, ऐसी चीजें जिसका अन अनएथिकल चीजें जिसका समाज पे गलत प्रभाव पड़े ऐसी चीजें भी बायो हैकिंग के थ्रू की जा सकती हैं अभी तो कई सारी ऐसी चीजें हैं लोग सेक्स चेंज सर्जरी करा लेते हैं तो अलग अलग चीजें हैं ये भी तो बायो हैकिंग का हिस्सा हुआ इसको लेकर के अभी कोई कानून नहीं है तो वो भी एक एथिकल कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू बायो हैकिंग बायो हैकिंग से संबंधित ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द द आंसर इन कॉमेंट सेक्शन

इसमें चार मेन एरियाज हैं उन्नति स्कीम के अंदर नए इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना इन द नॉर्थ ईस्ट और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको भी नर्चर करना उसके अलावा जो नए सेक्टर्स हैं नए इंडस्ट्री जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनको प्रमोट करना और जो इन्वायरमेंटली हार्मफुल सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट एंड प्लास्टिक उनको रिस्ट्रिक्ट करना तो ये चार मेजर डायमेंशनस हैं उन्नति स्कीम के उन्नति स्कीम बेसिकली दस साल के लिए चलेगा उसको आठ साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई नया प्रोजेक्ट कमिट कर देती है सरकार तो मान लीजिए कि नौवे साल या दसवें साल में कुछ नया प्रोजेक्ट कमिट करती है तो उस नए कमिटेड प्रोजेक्ट के लिए आठ साल और एक्सटेंशन रहेगा बट ओवरऑल द स्कीम इज फॉर टेन ईयर्स तो बजटरी एलोकेशन लगभग दस हजार सैतीस करोड़ है टेन थाउजेंड थर्टी सेवन करोड़ ऑल दोज इंडस्ट्रीज विल बी एलिजिबल हु कैन स्टार्ट देयर ऑपरेशन विद इन फोर ईयर ऑफ द ग्रांट अंडर उन्नती स्कीम। उन्हीं को उन्नती स्कीम के फंड एलोकेशन मिलेगा, मिलेगा जो उन्नति स्कीम के, के चार साल के अंदर ही अपने इंडस्ट्रियल को कर दे। उसके अलावा उन्नति स्कीम में डिस्ट्रिक्ट को तो कैटेगराइज किया गया है जोन ए विच आर इंडस्ट्रियली एडवांस्ड एंड जोन बी विच आर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड जोन बी वाले डिस्ट्रिक्ट फोकस किया जाएगा उन्नति स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव यानी कि जितना भी ओरिजिनल पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसमें से कुछ पैसा जो है सरकार सब्सिडी के तौर पे दे सकती है अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा जीएसटी एग्जेपन दे सकती है सरकार ये सब फायदे उन्नति स्कीम में इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी उन्नति स्कीम का इंप्लीमेंटेशन जो होगा दैट विल बी टेकन अप अपीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईटी टू इंप्लीमेंट द स्कीम इन कोलाबोरे उसके अलावा देर आर अदर स्कीम्स ऑल्सो ब्रॉड अब चूंकि एक तो सवाल सीधा सीधा आ सकता है कि उन्नति स्कीम क्या है ये सवाल भी तो आ सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और भी क्या क्या स्कीम्स हैं। तो एक है पीएम डिवाइन स्कीम तो हमने कई दफा देखा हुआ है कि पीएम डिवाइन स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए है बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था एडवांसिंग नॉर्थ ईस्टर्न पोर्टल इसको डेवलप किया गया है बाय नॉर्थ ईस्टर्न ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है डिजिटल पोर्टल है जिसका पर्पस होगा टू गाइड यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कल नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम एन ईस्ट्स इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा ये मैनेज्ड या फंडेड स्कीम होगा आउटले ऑफ अबाउट एट थाउजेंड करोड़ फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी जिसमें नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान स्कीम है जिसके अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा इन टीयर टू टाउन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जिससे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रीमलाइन हो जाए नोटा के ऊपर जो प्रश्न था तो दोनों स्टेटमेंट गलत है राज्यसभा के लिए नोटा नहीं है और नोटा मैक्सिमम वोट सिक्योर भी करता है तो री इलेक्शन नहीं होता है माइक्रोबीट्स आर एसोसिएटेड विथ मरीन इकोसिस्टम एंड इंडियन एलिफेंट से रिलेटेड पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है तीसरा चौथा गलत है दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग